लव कटारिया मैनेजर इन बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के एक्स कंटेस्टेंट और एल्विश यादव के दोस्त लवकेश कटारिया का फूटा ईशा मालविया पर गुस्सा। ईशा ने किया लवकेश को ट्रोल, तो उस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। लवकेश कटारिया के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है वो हमेशा से, वो है मैनेजर का दर्जा, जिसके बाद बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ईशा मालविया पहुंची थी एक पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट में पहुंचते ही एल्विश के दोस्त को किस तरीके से रोस्ट किया है ईशा ने, यहां पर मैं चाहूंगा एक छोटी सी क्लिप है, इसको एक बार को आप जरूर सुनिए। लव कटारिया मैनेजर इन, जी हाँ ये थी वो क्लिप जहां पर ईशा ने किया था कटारिया को रोस्ट। अब कटारिया की तरफ से कुछ ये रिप्लाई आया है फर्स्ट कॉपी के बारे में श्रद्धा कपूर की। भाई श्रद्धा कपूर की फर्स्ट कॉपी एक पॉडकास्ट में बैठी थी, वहाँ पे उससे पूछा गया कि बिग बॉस ओटीटी सीरीज के कंटेस्टेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है एक लाइन में, मतलब ऐसे एक दो वर्ड्स में। तो जब मेरा नाम आया उसने बोला, भाई ने पूछा और पॉडकास्ट वाले ने लव कटारिया, तो कहती कि मैनेजर, और फिर हंसती ऐसे हंसती। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैनेजर तो मेरे को ना पड़ता इतना सा भी फ़र्क, कितना ही कही जाओ तुम, हमारे में इसको भाईचारा कहें, दोस्ती कहें, तुम्हारे में कुछ कहते होंगे, पर फिर भी अगर मैनेजर की बात कर ही रहे हो तो मैनेजर बेटे बैठा बैठा यहीं पे बताने लग रहा हूँ, हिलना भी ना पड़ेगा, शो पूछते हैं आपकी 100, समझ रहे हो। आगे मैं बोलना नहीं चाहता, फिर आप कहोगे विमेन कार्ड लो, हमें क्या कह रहा है क्या कह रहा। देखो आई ऑलवेज रिएक्ट, भाई मैं आगे से आपको आगे कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो आपका हक भी नहीं बनता, आप कहोगे तो सुनोगे। जो कि काफ़ी ज़्यादा सिवेज होने के साथ साथ एक एंग्री रिप्लाई है कटारिया का, क्योंकि बेशक कटारिया को बिग बॉस के घर में जाने के बाद और बिग बॉस के घर से निकलने के बाद से ही एल्विश का मैनेजर या फिर बहुत सारी अलग अलग बातें कही जा रही है, चाहे वो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट हो या फिर कोई और। वेल आप बताना कमेंट बॉक्स में कटारिया के इस जवाब पर आपका क्या है ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।